चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वन इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत शर्मा। आईपीएल फाइनल की रात जहां गुजरात टाइटंस ने खिताब जीतकर एक नया कीर्तिमान रच दिया है, डेब्यू सीजन पर ही जो है आईपीएल का खिताब अपने नाम कर लिया है। ये फाइनल मुकाबला बहुत सारी यादों के साथ जो है समाप्त हुआ है, जिसमें बल्लेबाज, गेंदबाज या फिर फील्डर सभी ने जो है अपना योगदान दिया है। इस सीजन वैसे तमाम कैचेस पकड़े गई हैं, किसी ने एक हाथ से कैच पकड़ा, किसी ने डाइव मारकर कैच पकड़ा, किसी ने छलांग लगाकर कैच पकड़ा, तो किसी ने सुपरमैन के अंदाज में उड़ते हुए कैच पकड़ा। लेकिन इस सीजन का जो सबसे बेस्ट कैच का अवार्ड मिला है वो है इवन लुइस के कैच को, और ये कैच है जो उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ एक हाथ से हुए डाइव लगाकर तेजी से बाउंड्री की तरफ से दौड़ते हुए पकड़ा था। आप सभी को याद होगा उस कैच के बारे में, जब 3 रन चाहिए थे दो गेंदों में, 211 रन बनाने थे केकेआर को, स्ट्राइक पर थे रिंकू सिंह और केकेआर, दोनों का ही अभियान जारी था प्लेऑफ के लिए, दोनों की उम्मीद टिकी हुई थी। एक बड़ा शॉट रिंकू सिंह ने मारा, शायद ये कैच छूट सकता था, लेकिन डाइव लगाई, एक हाथ से कैच पकड़ा, स्लाइड मारी, और इस कैच के साथ साथ रिंकू सिंह के साथ साथ जो है केकेआर की प्लेऑफ की उम्मीदें भी बाउंड्री के बाहर भेज दी थी इवन लुइस ने इस कैच के साथ। तो ये सीजन जो है कई खिलाड़ी, चाहे वो राहुल त्रिपाठी हो, अंबाती रायडू हो, विराट कोहली हो और शुभमन गिल हो, जॉस बटलर हो, सभी को पीछे छोड़ते हुए इवन लुइस ने जीता है कैच ऑफ द सीजन का अवार्ड। कहना गलत नहीं होगा सबसे बेहतर कैच था, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वो कैच नहीं बल्कि उम्मीद भी कैच कर ली थी आईपीएल केकेआर की टीम की और उन्हें रवाना कर दिया था। गेंदबाज तो भले ही मार्कस स्टॉइनिस थे, लेकिन असली विजेता तो उस समय इवन लुइस बने थे, तो उनके कैच को मिला है कैच ऑफ द सीजन का अवार्ड। आपके हिसाब से क्या ये सही फैसला था, या फिर किसी और खिलाड़ी के कैच को आप बेस्ट कैच ऑफ द सीजन मानते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए और इस वीडियो को लाइक करके इसे शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।